नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तांडसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तांडसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। बैग देखिए, अंग तक बैग देखिए, अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए तेरा एक ही तो बच्चा है। अबे नरेंद्र मोदी, अब तो बात किस बात की है? ठीक है, अरे किसी का एक बच्चा है, वो आदमी गरीब है, उसने ऑपरेशन कराना है। नरेंद्र मोदी बैठा है, ऑपरेशन नहीं करा सकता इस बच्चे का? क्या ऐसे हॉस्पिटल नहीं है भारत में जो फ्री में ऑपरेशन करे? है कि नहीं है? हैं? है ना, तो फिर कराता क्यों नहीं? अरे जिन वाले को देखी जाएगी, जिन के पीछे पड़ गई है, भूत के पीछे पड़ गई है। बच्चा बीमार है, बच्चा दर्द से भरा हुआ है, जिंदों के चक्कर में पड़ रही है, अपने बच्चे को दिखा देना, कुछ होता है बताते नहीं। चलो भाई, वो भैया देखते ना, भैया को बताया नहीं तुमने? वो भाषा क्यों बोल रही है मेरे से, एक बार बता, क्या लाभ होगा उसका? चल भाई चल के देखता हूँ, जहाँ मेरे को बता। हाँ माता जी, नाम बोलो। कौन सा मैं है? डॉक्टरों ने क्या बताया तुझे? दोनों खराब, कौन से वाला खराब हुआ? भैया ने क्या बताया? चक्कर, नाम बोलो। जांच करा लिया, कुंडा खराब बता दिया, तो ऑपरेशन नहीं करा है भाई? हाँ मानो भैया तो कहाँ ऑपरेशन करा है? सर तो चल यहाँ से वहाँ तक चल के आया, पहले वहाँ तक चल के आया, देश में बोलता हुआ दौड़ता हुआ जा, मेरे को बता कहाँ क्या हो रहा है। हाँ भाई बता क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द कम हुआ बोल, बहुत कम, कितना हो गया? थोड़ा जोर से बोला कर भाई। हाँ कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था तूने? किसने बताया कूले बदलेंगे? उसने तेरी उम्र नहीं देखी एक बार? थोड़ा तो शर्माना था उस डॉक्टर में, है भाई? थोड़ा शर्माना नहीं था क्या? बच्चे को कूले बदलेंगे, ये कूले बदल दिए जहाँ तेरे रिप्लेसमेंट कर दिए मैंने। चल यहाँ से वहां तक चल, अंदर बताओ। हाँ तालियां बजा दो, इसका एक कूले बदलना था अभी गया, से यही तो भारत की परेशानी है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, दूसरी जगह पे फौरन आ जाते, और घर पे मारने से बढ़ता है, मम्मी मारती है तो बढ़ता है, पापा मारते हैं तो बीवी की बात नहीं, नहीं ये मम्मी वाला बीवी वाला, मम्मी बीवी है नहीं जी, अभी बीवी वाला निकला, मम्मी तो है ही नहीं, ये बीवी वाला ही निकला। चलो बैठ गया वहां से, कमर में बैंड बांधी हुई थी, बैंड तेरी है क्या? हाँ ले मौज ले, चल तालियां बजा दो इसके लिए। कितना फर्क आया बताओ अपने मुझसे, डॉक्टरों ने क्या बताया हुआ इस घुटने में? सच्ची बताऊं आपकी वीडियो देख के आपके पास ही आई हूं, डॉक्टर के पास तो बहुत पहले गई थी। अच्छा क्या बताया था डॉक्टर? उन्होंने तो छुट्टी का सर्जरी करा ना, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट करा। कौन से हॉस्पिटल में उस टाइम दिखाया था? हाँ और ये तुम्हारा मदानता वगैरह में दिखाया था। अच्छा बड़े बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गया, और बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों ने कह दिया सर्जरी करा लो, और मनु भैया ने एक बार हाथ लगाया तो कितना आराम पड़ गया? उठा के बता। 30% 20%
20% 30% आराम फौरन पड़ गया। आपको मन मैं भी वही तो देख रहा हूँ, मैं भी मन वही। वो मेरा नहीं है, पीठ हो गया अपने खाके तब भी डंडे मारो मोड़ो थोड़ा सा। अब मैंने बहुत सारी मुझे बहुत सारी यहाँ तक कि देखिए एक बार आपने भैंस का जिक्र किया हुआ था कि वो भैंस मर जाती थी, वो सब मैं सब पढ़ाई पढ़ाई मुझे लग रहा है कम से कम 50 भी देख ली तो कम है। ये वो फैमिली है सुन लो जो शिव जी के आशीर्वाद वाली आ गए ना समझ में, शिव जी के आशीर्वाद बेटे को माँ को किसको कहानी याद है, मैंने किस किस सबको सुनाई है, किसको याद है कौन आया जिया वाली है, ये तीन वरदान वाली कहानी किसके याद है। हेलो गुरु जी बाहर से वो तेल लगाना चल के देखो दोनों हल्के बोलो जय शनिदेव जय शनिदेव दूसरी बार वाले हैं ये प्रभु जी सारा दर्द निकाल देंगे आपका, आपने जो लगा रखी थी बेल्ट किस लिए लगा रखी थी, चले गए तो रुपये दूसरे से डॉक्टर को बताना भाई तुमने कान में का ऑपरेशन कर दिया, कान में भी दर्द, जाड़ करवा ली जाड़ में भी दर्द, तो डॉक्टर से पूछने की बात है ना। अभी क्या है मेरे को वो बताना, बस और तो कहीं कुछ नहीं है, और तो कहीं कुछ नहीं है ना बोलो। अरे जाड़ में थोड़ी बना चलता है मार दूंगा मेरे को, केवल हाथ का पैर का कंधे का घुटने का दर्द बस हो गया पूरा शौक हो गया हो गया। चलो क्या करिए किसने खिला लिया तू मुझे, गुलाम वही आए थे तेरी मम्मी को आराम पड़ गए हैं, तेरी मम्मी को आराम पड़ गए हाँ सारे वो गुजराती बच्चे आ रहे मेरे पास, तो भाई मनु भैया के पास आज गुजराती बच्चे वो हैं, ये सारे गुजरात के जो बच्चे हैं चीनी खा खा के छोटे हो गए कदम है जी, आपके बच्चे चीनी खा खा के छोटे हो गए। नहीं भाई नहीं खुश रहो शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव चलते रहो चलते रहो भैया देख लिया हाँ हाँ कर दिया ठीक है कर दिया ना उसने देख लिया ना उसने भैया ने हाँ वहाँ से कराया है ना हाँ भैया जय शनिदेव क्या होता है बोलो
मारा था उस दिन हाजिरी आई थी। उस दिन आई थी थोड़ी सी हाजिरी, कोई नहीं दीपदान कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। दीपदान करा, तेल मुंह में रखा कर, इसके सुबह शाम दो तो मुंह डाला, ठीक है, आराम पड़ेगा तो उसी से। भैया ये मानसिक रोग है, इनको पितरों की समस्या पेट वाला नहीं है, दिमागी प्रॉब्लम रहती है। वो थोड़ा बहुत पितर से होगी, कुछ तो हल होगा, इसका डाना तो सफल होगा। शनिदेव महाराज का तो कर्मा करे क्यों भैया। राजनीति से कान तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।